नमस्कार दोस्तों, मैं लेखराज सिंह पिनेकल कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का जो 4 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ द सिक्स डिजिट नंबर X35624 एंड 1257Y4 आर डिविजिबल बाय 11 एंड 72 रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, ये जो नंबर डिवाइड किससे हो रहा है, 11 से हो रहा है, और जो ये नंबर है ये डिवाइड किससे हो रहा है, 72 से हो रहा है। ठीक है, तो 72 का मतलब इसके फैक्टर निकालेंगे तो 8 और 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब जो ये नंबर है 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो आप जब तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से एक्स की निकलेगी। तो पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर किससे है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड होने का मतलब है ये नंबर कब होगा, जब इवन प्लेस का सम और ओड प्लेस का सम का जो डिफरेंस रहेगा वो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा, ओड प्लेस का सम है x प्लस 5 और 2 7, इवन प्लेस का सम कितना है, ये आपका हो गया 3 और 6 9 और 4 13। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल गई, वो हो गई 6। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो चेक कर लेते हैं। पहले 8 का मल्टीपल, ये 8 से कब डिवाइड होगा, तो 7y4 है। ठीक है, और अब इसका मतलब है हम y को 2 रख सकते हैं तो 72 बनेगा जो 8 से डिवाइड होता है। और यहां पे देखिए यूनिट डिजिट 4 है तो कब होगा नंबर, 24, 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 की 24। ठीक है, तो हम क्या रख सकते हैं, यहां पर भी 2 रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि y की अगर यहां इन दोनों नंबर को लेके तो रखेंगे 2 आएंगे, इन दोनों को रखें तो तब भी y की वैल्यू 2, बस इन दोनों को सम कर दीजिए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक पॉसिबल वैल्यू तो y की 4 हो गई। ठीक है, अब हमें पता है जो y है उसका कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस है, और जब टेंस प्लेस होता है और 8 से नंबर डिवाइड होता है तो जो डिफरेंस होगा नंबर के बीच का वो 4 का होगा। ठीक है, तो 4 का डिफरेंस होगा तो एक पॉसिबल वैल्यू, अगर इससे हम ऊपर जाएंगे तो 0 हो सकती है, और इससे अगर नीचे जाएंगे तो एक पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 8 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अब हर एक नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है ना, अब 4 का डिफरेंस है तो y की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है वो डिफाइन कौन करेगा, 9 करेगा कि ये नंबर 9 से कम मल्टीपल है। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये इनका जो डिजिट का सम है वो 9 0 होना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे 5 और 4 9, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 2 9 ये भी हट गया, 1 प्लस y, मतलब आपके पास बचा 1 प्लस y। अब हमें 9 का मल्टीपल बनाना है तो y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि 8 8 और 1 9 हो जाएगा। इट मींस हमें पता चल गया y की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। बस अब यहां पर रख दीजिए 5x माइनस 2y, x की वैल्यू 6 है तो 6 5 30 माइनस 8 2 16, तो कितना आ गया, 14। तो यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट्स द रेवेन्यू ऑफ कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ 4 प्रोडक्ट्स ए बी सी एंड डी इन 6 ईयर्स, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2014 फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल 4 प्रोडक्ट्स टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी इन 2014 टू 2017। देखिए रेशियो पूछा इसने, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2014 फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द 4 प्रोडक्ट्स। तो देखो 2014 में कितनी सेल है टोटल, तो ये आपका आ जाएगा, अगर इसको मैं 360 90 लेके चलता हूं 360 हो जाएगा, यहां पे 10 कम है और ये 10 ज्यादा है तो इट मींस 360 ही रहेगा। ठीक है, 214 का 360 हो गया और 200 उसने पूछा है टू द प्रोडक्ट सी इन 2014 टू 2017, सी का 14 से 17 तक का टोटल प्रोडक्शन देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अगर हम 90 लेके चलते हैं तो 360 तो ये रहेगा, अब 90 से 2 कम ये है और ये 3 ज्यादा है तो 1 आ जाएगा, 7 7 और 13 20, मतलब कि 380। तो जो प्रोडक्ट सी का है 2014 से 2017 तक कितना टोटल सेल है, 380, तो रेशो कितना हो जाएगा, 360 रेशो 380, तो ये आपका 0 0, 2 से आपका 18:19, तो 18:19 आपका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है पी क्यू और आर दिया हुआ है और इसलिए पूछा है पी इंटू क्यू डिवाइड बाई आर। और आप देखोगे जो आंसर है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिक है, तो हम एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अगर बस आप ये ध्यान रखना कि इनफाइनाइट ना बने और जीरो बाई जीरो ना बने, ठीक है। तो यहां पर एक्स की वैल्यू अगर मैं यहां से अगर मैं वन रखता हूं तो आपके पास यहां पे कितना आएगा, पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी एक्स की वैल्यू कितना रखने पर, वन। एक्स की वैल्यू अगर हम वन रखते हैं तो पी आपका आ जाएगा माइनस सेवन डिवाइड बाय यहां पे कितना होगा वन, वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे आप जाएगा माइनस टू, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितना होगा, क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर डिवाइड बाय आपके पास ये होगा माइनस नौ और एक माइनस आठ, मतलब ये आपका क्यू की वैल्यू कितनी आ गई माइनस एक बटे दो और पी की वैल्यू सात बटे दो थी, ठीक है। अब इस तरह क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू कितना होगी, ये आपका हो जाएगा वन रखने पर दस और चार चौदह डिवाइड बाई माइनस चार, तो ये आपका आ गया माइनस सात बटे दो, ठीक है। तो पी क्यू आर की वैल्यू निकल गई हमारे पास, बस यहां पे पुट कर दीजिए पी इंटू क्यू, पी है सात बटे दो, क्यू है माइनस एक बटे दो, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस सात बटे दो इंटू एक बटे दो, ठीक है, क्योंकि माइनस ये आया है तो माइनस बाहर आ गया। डिवाइड किससे कर रहे हैं, आर से, और आर कितना है माइनस सात बटे दो है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, सात बटे दो हो जाएगा, मतलब एक बटे दो इसका आंसर हो गया जो ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोडो मास यूज करके कैलकुलेशन करना है आपको, तो सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे पांच बटे दो डिवाइड बाई थ्री इंटू टू बाई थ्री ऑफ वन बाई फोर, पहले इसको सॉल्व करेंगे आपको, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, तीन तीन नौ और दो ग्यारह, ग्यारह बटे तीन गुना में एक बटे चार, ठीक है। तो ये आपके बजाएगा ग्यारह बटे चार तिया बारह, ठीक है, तो ये ग्यारह बटे बारह आ गया। तो यहां पे लिख सकते हो आप इसको दस ग्यारह बटे दो डिवाइड बाय ग्यारह बटे बारह, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा बारह बटे ग्यारह, ग्यारह से ग्यारह कैंसिल आउट हो गया, दो से बारह छह बार चला जाएगा। इट मीन्स हमें यहां से मिल गया ये कितना है सिक्स है, इतना सारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा नौ पंजे पैंतालीस और एक छियालीस, छियालीस बटे नौ माइनस में आठ सात छप्पन और सात बासठ हो साठ तिरसठ होगा, तिरसठ बटे आठ डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 20 निम्न 180 और 189 हो जाएगा, तो 20 बटे 189। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, तिरसठ से 189 तीन बार चला जाएगा, ये चार से दो बार और ये चार से पांच बार, ठीक है। तो ये कितना हो गया 46 बटे 9, 46 बटे 9, ठीक है, 40 बटे 9 माइनस में 5 बटे 6, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 18 आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 46 दूनी 92 होगा माइनस में 5 दिया 15, तो ये कितना आ गया आपके पास 77 डिवाइड बाय 80, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ब्रैकेट का ये आपका 77 बाय 18 आ गया, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं इसको 9 बाय 11 से, 11 से 7 टाइम्स चला जाएगा, 9 से 2 टाइम्स चला जाएगा, इट मीन्स ये आपका आ गया 7 बाई 2। यहां से यहां तक हमें कितना मिल रहा है 7 बाई 2 दे रहा है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में क्या है देखते हैं, 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ ये तो 5 दूनी 10, मतलब कि डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे दो ऊपर आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 माइनस 10 गुना 10, अच्छा गुना से पहले भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग करने के लिए आपके पास यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 2 और ये 5, ठीक है, तो माइनस 5 आ जाएगा, इट मीन्स ये आपका आ गया 5। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना आ गया 5 आ गया, और ऊपर कितना है 6 प्लस 7 बटे 2, 6 2 छिक के 12, 12 और 7
कितना होगा 19, 19 बटे 2 और डिवाइड में कितना है 5, तो मतलब 10, 19 बटे 10 आपका आंसर है, 19 बटे 10 मतलब एक सही 9 बटे 10, ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRT is a tangent to a circle with center O at the point R on it. Diameter SQ of the circle is produced to meet the tangent at P and the QR is joined. If angle QRP 28 degree इसने दिया हुआ है, then the measure of SPR इसने पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये सर्कल है आपका, ठीक है, और इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है PRT इसका टेंजेंट है, ये P हो गया, ये जो टच कर रहा है सर्कल से ये T हो, R हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, T हो गया, और जो SQ है डायमीटर है जो पॉइंट किसको P को मीट कर रहा है, ठीक है, तो SQ तो डायमीटर है SQ, और इसने क्या दे रखा है, इसने एंगल दे रखा है QR इज जॉइंट, QR को भी जॉइन कर दिया, और इसको भी आप जॉइन कर लीजिए SR को, तो हमें क्योंकि सीधा पता चल गया है जो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, जो एंगल आ रहा है इस ट्रायंगल में क्यू आर एस में, क्योंकि ये किससे बन रहा है, डायमीटर से बन रहा है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, और इसने जो दे रखा है 28 डिग्री दे रखा है क्यू पी आर, ये एंगल 28 डिग्री इसने दिया हुआ है, ठीक है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, तो ये भी 28 डिग्री होगा, तो बस इसने अब ये एंगल पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। अगर आप इस ट्रायंगल को लेते हो पी आर एस को, पी आर एस हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये कितना होगा 180 में से इन दोनों एंगल का सम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एंगल टोटल कितना हो गया, ये 118 आ गया, ठीक है, ये कितना है 128 हो गया, तो टोटल कितना होगा 118 और 128, ये आपका हो जाएगा 118 और 28 कितना होगा 28, 38, 48, 146 हो जाएगा, और 146 आ गया, मतलब 180 में से 146 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 डिग्री, तो जो एंगल P है वो 34 है, ऑप्शन बी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR Q 85 डिग्री एंड R 65 डिग्री, पॉइंट S एंड TR ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली सच दैट STR 95 डिग्री, देन द रेशियो ऑफ QR एंड ST इज 9:5 इफ PQ इक्वल टू 21.6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ PT। देखिए बना लेते हैं, ट्रायंगल है क्या है, इसने ट्रायंगल दे रखा है PQR, ये P हो गया, ये Q हो गया, और ये R हो गया, और जो एंगल Q है वो इसने 85 दे रखा है, ये एंगल है वो 85 डिग्री है, और एंगल R है ये कितना है 65, ये इसने 65 डिग्री दिया हुआ। पॉइंट एस एंड टी ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर, ये एस पॉइंट हो गया और ये पॉइंट टी हो गया, सच दैट एस टी आर 95 डिग्री, इसने जो एस टी आर दे रखा है 95 दे रखा है, एस टी आर ये 95 है, ठीक है, ये 95 है, तो हम कह सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 95 मतलब 85 आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल कितना आ गया 85 आ गया। द रेशियो ऑफ क्यू आर एंड एस टी 9:5 मतलब जो इनका रेशो है 9:5 का है, ठीक है, तो जो एरिया का रेशो रहेगा, लेकिन एरिया का रेशो इसने निकालना पड़ेगा अब हमें, लेकिन सिमिलरिटी मिल गई, इतना डेफिनेट हमें एक सिमिलरिटी मिल चुकी है दोनों ट्रायंगल में, कौन कौन से दोनों ट्रायंगल में, अगर हम एक ट्रायंगल ले पी टी एस और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये सिमिलर होंगे क्योंकि हमें पता है ये 85 है ये 85 है, एंगल भी दोनों में कॉमन है, तो दो एंगल जब कॉमन है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिक दोनों का क्या रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है, तो सिमिलरिटी प्रूव होती है। तो अगर हम कंपेयर करें इस ट्रायंगल को एस पी एस टी को और पी क्यू आर को, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है, हम कहेंगे जो इनका रेशो एरिया का रेशो रहेगा दोनों ट्रायंगल का वो साइड के स्क्वायर के बराबर रहेगा, ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसने एरिया का नहीं पूछा, इसने पूछा लेंथ ऑफ पीटी और पीटी है ये लेंथ, इसने ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम यहां से साइड निकालें और इसने और कौन सी साइड दे रखी है पी क्यू दे रखी है, पी क्यू है वो कितना है 21.6 है, ठीक है,
तो 21.6 किसके सामने है, 65 डिग्री के सामने, ठीक है। और इसमें 65 डिग्री ये होगा, मतलब इसके सामने कौन सा होगा, ये होगा। तो हम कह सकते हैं PT डिवाइड बाय ये साइड आ गई, तो बड़े ट्रायंगल में कौन सी साइड होगी 65 के सामने, PQ होगा। PQ इक्वल टू आपका आ जाएगा इन दोनों एंगल की का बेस साइड, बेस कौन सी है, ST है, तो ST अपॉन में इन दोनों में कौन सी है, QR, ठीक है। तो बस आप यहां से सीधा PT निकाल सकते हैं। PQ कितना है, PQ है आपके पास 21.16, ये आपके पास 21.6 है, QR और ST का रेशो 5/9 है। जब सॉल्व करोगे तो 9 से कितनी बार चला जाएगा, 9 दूनी 18 है, 9 चौका 36, तो ये PT आपका आ जाएगा 5 × 2.4, तो कितना हो गया, 24×5 120, मतलब कि 12 है, 12 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन सी है, वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन दैट ऑफ बी एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। इफ ए'ज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी का इनकम का रेशो दे रखा है। इनकम कितना है इसने दे रखा है, ए की इनकम 60% कम है किससे, बी से। तो अगर बी इस रेशो कितना होगा, 3/5, अगर बी की 5 यूनिट है तो ए की कितना होगा, 3 यूनिट कम, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनकम का रेशो मिल गया हमें। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर का रेशो भी दे रखा है इसने, वो क्या दे रखा है, इसने कहा जो ए की एक्सपेंडिचर है वो 60% है बी का, तो मतलब ये 5 है तो ये कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब इसने क्या दे रखा है, इफ ए इज इनकम इक्वल टू 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। अब इसने कहा जो ए की इनकम है वो बी के एक्सपेंडिचर का कितना है, 70% है। अगर हमें एक्सपेंड करें बी के एक्सपेंडिचर को, आप मान लीजिए ये 10 मान लीजिए, ठीक है ना, अगर ये आप 10 मानते हैं तो आपके पास एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 है, अब हम इसने दे रखा है जो ए की इनकम है बी के एक्सपेंडिचर का 70% है, मतलब ये 7 होगा, क्योंकि ये 10 है तो ये कितना होगा, 7 होगा 70%। तो हम कह सकते हैं जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 7 है, तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की कितनी, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×5 = 35, 35/2 आ जाएगी, मतलब ये कितना आ जाएगा, 35/2 आ जाएगा। तो अब पता चला ए की इनकम 7 है तो बी की 35/2 होगी, और ए का एक्सपेंडिचर 6 है तो बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 10 होगा। तो सेविंग का रेशो क्या होगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर सबट्रैक्ट कर दीजिए, सेविंग आएगा, तो सबट्रैक्ट करते हैं तो 7 में से 6 गया तो 1 आएगा, 35/2 में से जब हम 10 सेपरेट करेंगे तो ये अब कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15/2, 15/2 आ गया, यहां पे 2 होगा, 15/2, ठीक है। तो रेशो जो आ गया 1:15/2 आ गया, इट मीन्स ये 2:15, तो यही आपका आंसर हो गया 2:15 ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है आपका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पूछा है AQ + BQ + CQ - 3ABC, तो इसको हम इसका फॉर्मूला क्या होगा, A+B + C का होल स्क्वायर -3 times AB + BC + CA, ठीक है। तो पुट कर दीजिए, आपको सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये 7 हो गया और 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3×6 = 18, तो ये कितना हो गया, 7×67, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 70×7 = 390 होगा, और 21 सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 469, 490 में से 21 सबट्रैक्ट किया तो 469। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The mark price of an article is ₹740. After 2 successive discount of 15% and X percent, it is sold for ₹566.10. What is the value of X? देखो मार्क प्राइस दे रखा है 740, उस पर डिस्काउंट कितने का दिया है 15% का, 15% कितना होगा 10% 74 हो गया, 5% 37 हो गया, 74 और 37 111 हो गया, ठीक है। तो सबट्रैक करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 629। अब यहां पे भी दूसरा डिस्काउंट दिया है और उसको बेचा है आर्टिकल को कितने में, 566.1 रुपए, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, कितने का डिस्काउंट दिया है, तो ये आपके पास आ जाएगा 62.9 का डिस्काउंट है, किस पर, 629 पर। इट मींस 1/10 आ गया, मतलब कि 10%। तो जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितने का है, 10% है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, By what percent is the total revenue of the company from the sale of products A, B and D in 2012 and 13 more than the sale of product B in 13 to 16? देखिए इसने पूछा है कि A, B और D का 12 और 13 में, A, B और D का 12 और 13 में जो टोटल, ठीक है, टोटल सेल है कितना है, तो हम देखोगे ये आपका हो जाएगा 74 और 98 246, तो ये तो 246 हुआ, और इसमें देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, और 100 मानते हैं तो 300 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 8, 292 होगा, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, 9 4 13, 2 2 4 1 5, 538 है, ठीक है। और किसमें, बी में 13 से 16 तक, बी में 13 से 16, मिट मीन्स ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। 96 94 84 96 92 84 और 98, अगर इसको हम 90 काउंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 360, और 360 में से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 6, यहां पर आपका 2 10 और इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स 370 आ गया आपके पास, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये आपके पास आ जाएगा 8, 13 में से 7 गया 6 और 4 में से गया तो 5, 168 का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब कीजिए ये जो आपका सेल है 168 ज्यादा है, 168 ज्यादा है किससे, 370 से। तो परसेंटेज निकालना है यही इसका ही, तो 0 से 0 37 से करेंगे तो 37 का जाएगा, 37 की 111 और 37 चौका 4 बार चला जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कितनी बार, 148, इट मींस 20 रिमाइंडर आया, और कैरी करेंगे तो 0 आएगा, और ये आपके पास 5 टाइम्स चला जाएगा 185, मतलब 45 पॉइंट समथिंग होगा, जो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली इज 88.8 रुपीज, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 1 × 2/3 ईयर्स एट द सेम रेट। देखो इसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, देखो इसने कहा पहले जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है 10% पर एनम से हाफ ईयरली और ईयरली में 88.8 का है, और हम डिफरेंस की बात करें एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% ही मिलेगा, अगर हाफ ईयरली करते हैं, ईयरली तो 10% होगा, हाफ ईयरली करते हैं तो 5 + 5 तो कितना हो जाएगा, ये 10.25 आएगा, ठीक है ना। मतलब इतना इंटरेस्ट मुझे हाफ ईयरली मिलेगा और ईयरली मुझे 10% मिलेगा एक साल में, तो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो 0.25 का है, तो हम कह सकते हैं 0.25 है उसकी वैल्यू कितनी है, 88.8 है। अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो हम कह सकते हैं 0.25 की वैल्यू कितनी है, 88.8 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 88.8 × 4, ठीक है। अब पूरा प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1% से इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, एक साल का इंटरेस्ट कितना, 10% है,
तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 888 गुना में 4। ठीक है, हमें एक साल में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल या कंपाउंड इक्वल होता फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट 10% एक साल में इतना मिल रहा है, और पूछा कितने में, 3 × 3 और 2 × 5, 5/3 साल में कितना होगा, तो इसकी गुना किससे कर दीजिए, 5/3 से गुना कर दीजिए, तो आपको कितना क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 3 से करेंगे तो ये आपका 3 से कितनी बार चला जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 18, 4 × 5 = 20 और इसमें 2 × 6 = 12, मतलब 20 आपकी एंड में होगा, वही आपका आंसर है ऑप्शन डी 5920। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो, आप पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप एंड डिजिट्स को भी से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 30x² - 15x + 1 = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25x² + 30x² - 1। मतलब ये पूछना चाह रहा है 25x² + 1/36x², मतलब यहाँ पे 5x आना चाहिए और इधर कितना आना चाहिए, 1/6x आना चाहिए, फिर जब इसको हम स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा। ठीक है, तो 5x 6x के लिए मुझे यहाँ पर 5 बनाना, तो 6 से डिवाइड कर दूंगा, 6x से डिवाइड करने पर मुझे यहाँ पर 5x मिलेगा प्लस में 1/6x मिलेगा, और इधर आपके पास 15x/6x, मतलब 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x/x तो रहेगा ही नहीं क्योंकि 1 से भी डिवाइड कर रही है, तो आपके पास आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो बस इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 25x² + 20² मतलब 1/36x² प्लस में 2ab, इट मीन्स x से x कट जाएगा, 2 से 6 3 बार चला जाएगा, मतलब ये आपके पास 5/3 आ जाएगा, और यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 5/3 आ गया, यहाँ पर एलसीएम 12 आ जाएगा आपके पास, और ये आपका हो गया 25 × 75 माइनस में 5 × 20, इट मीन्स 55/12, 55/12 आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप इज 7:6, इफ 4 मोर बॉयज ज्वाइन द ग्रुप एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, then the ratio of boys to girls becomes 4:3, what is the total number of boys and girls initially in the group। मतलब उसने पूछा है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है बॉयज और गर्ल्स की, ठीक है, वो कितनी है इनिशियली, तो हमें यहां से पता चल रहा है जो रेशो होगा 7:6 का होगा, मतलब 7 × 6 = 13, मतलब जो आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। एक बार ऑप्शन देखते हैं, आपके 4 ऑप्शन है वो 13 का मल्टीपल है। अब देखिए, उसने कहा है कि 4 नए बॉयज आए हैं और 3 गर्ल्स छोड़ के जा रही हैं, इट मींस जो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज है उसमें 1 का इंक्रीज होगा, क्योंकि 4 आए हैं 3 गए हैं, तो मतलब 1 का इंक्रीज होगा, और जो रेशो होगा अब वो कितने का, 4 × 3 = 7, मतलब 7 का मल्टीपल का आंसर होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, और 1 बढ़ाते हैं तो 118 होगा, क्या 7 का मल्टीपल है, नहीं है। 1 बढ़ाएंगे 79 होगा, 7 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 1 बढ़ाएंगे तो 92 होगा, 7 का मल्टीपल है, नहीं है। और इसको चेक करते हैं तो ये इसको 1 बढ़ाते हैं तो 105 होगा, जो 7 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन डी यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो हम देखो कैसे करेंगे, जो कन्वेंशनल मेथड से होगा, जैसे कि हम मान लेते हैं 7x बॉयज हैं, गर्ल्स 6x हैं, और बॉयज 4 नए आए हैं, और गर्ल्स कितनी जा रही हैं, 3, और जो रेशो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 4/3 का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए यहां पर, तो हमें मिलेगा 7 × 21x प्लस में 4 × 12 इक्वल टू 6 × 24x और माइनस में 4 × 12, तो यहां से आपके पास मिल जाएगा 3x = 24, मतलब कि x की वैल्यू जो आ गई है वो 8 आ गई। तो बस x की वैल्यू 8 है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी इनिशियली, 7 × 6 = 13, 13 × 8 = 104, ऑप्शन डी है वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In triangle ABC, D and E are the points on the side AC and BC respectively, such that DE parallel AB and F is the point on CE such that DF parallel AE. If CE is 6 cm and CF 2.5 cm, then BC is equal to. देखिए इस बना लेते हैं. ट्रायंगल है आपके पास ABC, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है. और इसके बाद इसने क्या कहा है कि AC और BC पर कौन से D और E पॉइंट है. AC ये आपका D हो गया, ये आपका E हो गया. और इसने क्या रखा है, जो DE है वो पैरेलल है AB के. और इसने एक और पॉइंट दे रखा है, F पॉइंट है CE पर, ये आपका F पॉइंट हो गया. और इसने कहा है जो DF है वो पैरेलल है AE के, ठीक है. तो बस हमें जब ये चीज दे दी तो हमें पता चल गया ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल है सिमिलर होंगे, ठीक है. मतलब DEC ट्रायंगल और ट्रायंगल ABC वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे. कैसे होंगे, देखो अगर हम कंपेयर करते हैं ये दोनों साइड पैरेलल है तो ये इक्वल होगा इसके एंगल के, एंगल C कॉमन है दोनों में. तो बस जब दो ट्रायंगल में दो एंगल सिमिलर है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक बराबर होगा, ठीक है. तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है. अब क्या है, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बस सिमिलरिटी लगा दी तो हम कह सकते हैं तो इस छोटे ट्रायंगल का इनका रेशो, इसने दे रखा है जैसे CE 6 सेंटीमीटर है, ये जो कंप्लीट है ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है और FC 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है. तो हम कह सकते हैं जो EF होगा वो कितना होगा, 3.5, क्योंकि 6 में से 2.5 सबट्रैक्ट कर देंगे. तो बस इस छोटे ट्रायंगल का जो रेशो रहेगा इस साइड का FC डिवाइड बाय CE वो बराबर रहेगा उस किस रेशो के, बड़े ट्रायंगल के CE और BC के बराबर, ठीक है. मतलब कि सिमिलरिटी लगाने के बाद जो FC आपका FC डिवाइड बाय EC इक्वल होगा, छोटे ट्रायंगल में आ गए बड़े ट्रायंगल में आपका हो जाएगा EC डिवाइड बाय BC, ठीक है. तो बस आपको BC निकाल सकते हैं. FC कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है. EC कितना दे रखा है, EC आपका 6 हो गया. और ये कितना दे रखा है, EC 6/BC, ठीक है. तो मतलब वही है, 2.5 की वैल्यू है इस छोटे ट्रायंगल की, 2.5 की वैल्यू बड़े ट्रायंगल के 6 के बराबर है. तो टोटल 6 के बराबर किसके बराबर हो जाएगी, वही आपका आंसर होगा, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आप BC निकाल सकते हो, जो BC होगा वो आपका आएगा 6 × 6/2.5, ठीक है. पॉइंट को हटाएंगे तो 60 बन जाएगा और 5 से ये चला जाएगा, 5×5=25 और ये 12 बार्चिंग 72/5, इट मीन्स ये आपका आ गया 14.4, ठीक है. 14.4 सेंटीमीटर है जो ऑप्शन ए है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है. तो सिमिलरिटी की जरूरत नहीं है, सिमिलरिटी लगा दिया क्यों, लेकिन ये आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए जब इस तरह का ज्योमेट्री बन रही है तो बस यहां से सीधा मिल जाता हमें कि जो 2.5 है उसकी वैल्यू कितनी है, 6 है, और 6 की वैल्यू कितनी है ये इसने पूछा हुआ है, जो कितना है, 14.4, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल, ए बी 7, बी पी 4.2, पी डी 2.8, देन द लेंथ ऑफ सी डी. देखिए सर्कल है और टू कॉर्ड्स है ए बी और सी डी प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ए बी सी डी, ठीक है. ये ए हो गया, बी हो गया और ये पॉइंट पी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया. इसने दे रखा है ए बी को 7 दे रखा है, ये 7 है, बी पी ये 4.2 है और क्या दे रखा है, पी डी ये 2.8 दे रखा है और ये पूछा है कि सी डी कितना होगा. इसको आप मान लीजिए ये आपका एक्स है. तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या होगा आंसर, क्वेश्चन फॉर्मूला 4.2 × 7 कितना होगा, 11.2 इक्वल हो जाएगा आपका x प्लस 2.8 × 2.8. 2.8 से 11.2 28 चौका 112 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा
चार दो नहीं आठ, चार चौक सोलह, तो x इक्वल टू 16.8 माइनस में 2.8, इट मींस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आपका आंसर है जो ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन थर्ड ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट ए 20% लॉस। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 138.5 इज अर्न ऑन द होल ट्रांजेक्शन देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो उसने टोटल वैल्यू पूछा है कि कितना है। देखिए इसने कहा वन थर्ड ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट एंड 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अगर आप यहां से तीन लेके चलते हो तो 25% निकालने में दिक्कत होगी, आप छह भी नहीं ले सकते, 12 है। आप मान लीजिए जो टोटल गुड्स है वो 12 है, ठीक है, टोटल गुड्स कितने हैं 12 मान लीजिए, 12 है, तो इसका वन थर्ड कितना होगा, चार गुड्स होंगे, उनको बेचता है 15% प्रॉफिट पर। तो मैं यहां से अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालूं तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 60% आएगा प्रॉफिट, और 25% गुड्स मतलब 12 का 25% 1/4 मतलब तीन जो गुड्स हैं वो बेचता है 20% प्रॉफिट पे। यहां पे नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 60%। ठीक है, अब जो बाकी के बचे हैं चार तीन सात, मतलब 12 में से सात गया, पांच गुड्स बचे, तो पांच गुड्स को बेचता है कितने परसेंट के लॉस पर, 20% के लॉस पर। ठीक है, तो ये कितना होगा, यहां पे आप मिलेगा 20×5=100% का लॉस। तो आप ओवरऑल देखोगे जो टोटल आएगा, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहां पे आ जाएगा ये 100 लॉस, 100 का लॉस है और 120 का प्रॉफिट है, तो 20% प्रॉफिट बचेगा आपके पास। ठीक है, 20% प्रॉफिट बचेगा, और ये कितने आर्टिकल्स पे मिल रहा है, 12 पर। ठीक है, तो 12 पर मिल रहा है, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो निकाल सकते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कितने का 12 पर है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 20/12 कितना हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 3 बार, ये 5 बार, मतलब 5/3% का आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन अब इसने एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है वो कितना, 138.5 है, तो हम कह सकते हैं जो 5/3 है, 5/3% की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 138.5 रुपए। और आपको टोटल वैल्यू निकालनी, इट मीन 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, इधर कर देता हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा 138.5 इंटू 3/5 इंटू 100। ठीक है, तो आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार जाएगा देख लीजिए, 5 से चला जाएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35। ठीक है, तो 27 पॉइंट को हटाएंगे तो आपके पास 0 आएगा, और साथ ही 21 मतलब 10 आपका इन डिजिट्स होंगे जो कहां पर है, ऑप्शन डी में, तो यही आपका आंसर होगा, 8310 टोटल वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी इज मोर देन द एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट ए ओवर द 6 ईयर। देखिए पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं, ए की एवरेज कितनी है, तो है 98, 94, 80, 95, 110 और 115। आप 100 मान के चलिए एवरेज, अगर आप 100 एवरेज मानते हैं तो डेविएशन देख लीजिए कितना है, यहां पर +25 का डेविएशन है, और यहां पे देखोगे ये आपके पास -25 का है। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और यहां पे देखेंगे 6 का है और 2 का है, मतलब -8 का डेविएशन आएगा, -8 पर एवरेज निकालेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 × 6 पॉइंट आएगा, 2 × 0 = 6, 3 = 18, मतलब 1.3 समथिंग रहेगा डेविएशन, मतलब जो आपका एवरेज होगा वो आपका आ जाएगा 98.7 अप्रोक्स। तो बस इतना आपका एवरेज है ए का। तो इसने पूछा है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट डी मोर देन द एवरेज। तो डी का देखिए कितने में ज्यादा है, डी का 98 पॉइंट, इसमें ज्यादा है एक, और एक इसमें ज्यादा है, बाकी में सब में कम है, तो दो
दो आंसर आ जाएगा, टू कहां पर है, ऑप्शन डी, ठीक है, तो 2 सालों में ए की एवरेज से ज्यादा है डी का। नेक्स्ट है, इफ 7 sin² का थीटा माइनस कॉस का थीटा प्लस 2 sin θ इक्वल टू 2 एंड थीटा लाई बिटवीन 0 to 90, देन द वैल्यू ऑफ sec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा डिवाइड बाय cosec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। देखिए यहां पर हमें स्क्वायर दे रखा है और हमें जो सिंगल डिग्री का वो sin थीटा है, मतलब आप थीटा और हमें निकालना है, क्या निकालना है, इंटीजर है, राइट हैंड साइड में हमारे पास इंटीजर है, तो थीटा हम 0 भी नहीं रख सकते, 90 भी नहीं रख सकते, 45 भी नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर नहीं मिल पाएगा हमें, और 60 नहीं रख सकते, 30 रखना पड़ेगा। जब थीटा हम 30 रखते हैं, ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा, पहले चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो 30 रखेंगे तो 1/4, मतलब ये 7/4 हो जाएगा, माइनस में 3/4 होगा, प्लस में 1 होगा, तो यहां से आपके पास आ गया ये कितना होगा, 4 होगा, ये भी 4 होगा, प्लस में 1 होगा, 4 4 1 आया, 1 + 1 मतलब 2, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, कब, जब थीटा आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है वहां पे पुट कर दीजिए sec 60, क्योंकि 2 थीटा है, तो sec 60 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में cot 60 आपका 1/√3 होगा, डिवाइड बाय cosec 60 ये आपका 2/√3 हो जाएगा, प्लस में 10 60 ये आपका √3 हो जाएगा, एलसीएम यहां से √3 आ जाएगा और यहां पे आपका आ जाएगा 2√3 प्लस 1 डिवाइड बाय, यहां पे भी √3 आ जाएगा एलसीएम, जो √3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पे बचेगा 5, तो 2√3 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 आपका आंसर है, जो ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्किंग टूगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन डी डेज, वर्किंग एलोन ए टेक्स 8+D days एंड बी टेक्स 18+D days, टू कंप्लीट द सेम वर्क ए वर्क्स फॉर 4 days देन रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी एलोन इन। देखो ए और बी जब साथ करते हैं तो डी डेज में कंप्लीट करते हैं, और एक उससे 8 दिन ज्यादा लेता है और बी कितना है, 18 दिन लेता है, तो हम कह सकते हैं जो ए प्लस बी है कितने दिनों में करेंगे, तो ए प्लस बी कर देंगे रूट ऑफ जो ज्यादा दिन ले रहा है, ए कितने ज्यादा दिन ले रहा है, 8, बी कितने ज्यादा दिन ले रहा है, 18, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, यहां से आपका 2 बाहर निकालेंगे, 2 × 9 में आ जाएगा, ठीक है, 16 का 4 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, इट मींस 12, मतलब ए और बी इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मिलकर 12 डेज में, ठीक है, तो ए कितने दिनों में करेगा, 12 + 8 = 20, ए करेगा 20 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, बी करेगा डी प्लस मतलब 12 + 18 = 30 दिन में, तो हम कह सकते हैं जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क हो गया, इट मीन 60, ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब इसने कहा है जो बी करता है 4 दिन तक, ए करता है 4 दिन तक वर्क, मतलब ए कितने वर्क कर लेगा 4 दिन में, 4 × 12 यूनिट, और बचा हुआ वर्क कितना हुआ, 48 यूनिट है, और उसने पूछा ये 48 यूनिट जो बी है कितने दिनों में करेगा, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 डेज, जो ऑप्शन ए है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास वाज 58.4 kg व्हेन 5 स्टूडेंट्स हैविंग द एवरेज वेट 62.8 kg जॉइंड द क्लास, द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीज बाय 0.55 kg, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली इन द क्लास वर। देखिए जो एवरेज है वो दे रखा है इसने 58.4 kg है, और 5 स्टूडेंट्स आए, ठीक है, और जिनका वेट है एवरेज वेट 62.8, मतलब कितना ज्यादा है, आप देखोगे यहां से आपके पास 4.4 kg, ठीक है, 4.4 kg इंक्रीज हो रहा है एक बच्चे पर, तो नेट इंक्रीज कितना, नेट जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 4 × 20 × 20 मतलब 22 kg, ठीक है। अब इस 22 kg एक्स्ट्रा की वजह से जो सभी बच्चों का है पूरी क्लास का वो एवरेज एज कितना बढ़ रहा है, 0.55, तो बस 0.55 हर बच्चे में बड़ा है, किसकी वजह से, इस 22 kg की वजह से, तो बस इस 0.55 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
टोटल स्ट्रेंथ आ जाएगी, बच्चों की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 11 से 11 पंजे 55 और 11 से 11 दुनी 22, और यहां से आपके पास दो जीरो आ जाएंगे, पांच से कितने चला जाएगा 40। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है इन पांच को इंक्लूड करके वो कितनी है, 40 की है। अब उसने इनिशियल पूछा है, मतलब पांच नए आए थे तो पांच सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 35। तो जो इनिशियल स्ट्रेंथ थी वो कितनी है, 35 है, वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन 3 sec² θ (10^3) + 10^6 θ - sec^6 θ इज इक्वल टू। देखो ऑप्शन है जो न्यूमेरिकल ऑप्शन है, न्यूमेरिक है, और हम कह सकते हैं कि जो थीटा आप कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर मैं थीटा को 45, सेक भी आपके पास 10 भी है तो 45 पुट कर दीजिए, 45 पुट करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6 + 1 - 2, ये आ जाएगा आपके पास √2^6, इट मीन्स 2^3 मतलब 8, इट मीन्स ये आपके पास -1 रिजल्ट देगा। ठीक है, -1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज द सेम एज द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखिए जो बोट की स्पीड है वो एक्स है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो वाई मान लीजिए, ठीक है, और अपस्ट्रीम वो कह रहा है कि टाइम टेकन बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज द सेम एज टाइम टेकन बाय इट ट्रेवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। तो हम कह सकते हैं जो अपस्ट्रीम का स्पीड है, अपस्ट्रीम x प्लस वाई और x माइनस वाई इनके बीच का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13/3, कितना है डाउनस्ट्रीम कितना 7, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, सीधा x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, और इसने दे भी रखा है कि जो स्पीड है किसकी, डाउन स्ट्रीम की, मतलब y की वैल्यू 3 किलोमीटर, तो y की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो। तो y की वैल्यू जब 3 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा, 13/7। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लीजिए तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 7x प्लस में 7 + 21 इक्वल टू 13x माइनस में 13 + 39, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा -6x इक्वल टू, ये जाकर उधर माइनस का हो जाएगा, -60 हो जाएगा, माइनस से माइनस, 6 से 10 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हम कह सकते हैं जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो बस 10 किलोमीटर पर आवर से अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 44.8 किलोमीटर ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा ये इसने पूछा है। तो बस इसको डिवाइड कर देंगे, 44.8 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4.48 आवर। तो यही आपका आंसर है, 4.48 आवर को अगर हम बदलते हैं तो बटे 100 करेंगे तो ये आपका 12 से 4 चौक 48 और 25 चौक यहां पे 12 आएगा, यहां 25 आएगा, तो 12/25 ऑप्शन ए है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 42 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, इट कंटेन्स आर एम्प्टीड इनटू रेक्टेंगुलर टब ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 44 सेंटीमीटर, द हाइट टू विच द वाटर राइज इन द टब इज। मतलब जो वॉल्यूम है इक्वल कर लेंगे दोनों का, वॉल्यूम किसका, सिलेंड्रिकल वेसल का, सिलेंडर का, और टब का, मतलब जो रेक्टेंगुलर टब है, तो जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, इट मींस 22/7 इंटू रेडियस है 30 × 30 इंटू एच कितना है 42, और जो टैंक है रेक्टेंगुलर टब है उसकी लेंथ है 75, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा वॉल्यूम, तो 75 × 44, और इसने हाइट पूछा है कितना इंक्रीज होगा, वो आपका एच रहेगा। तो सॉल्व कर लीजिए,
सात से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा यहां से, अब हाँ सात से हो जाएगा, 6 7 42, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो सकता है, देखो ये अगर हम इसको कैंसिल आउट करें किससे, पांच से, तो कितनी बार जाएगा, 5 से 15 बार चला जाएगा, 5 से ये आपका 6 बार चला जाएगा, फिर 5 से ये आपका 3 बार चला जाएगा और ये आपका 6 बार चला जाएगा। अभी भी 22 दूनी 44 हो जाएगा और आपके पास 3 दूनी 6, इट मीन 1 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन एच इक्वल टू कितना आ गया, 36। 36 आपका आंसर है जो ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए अगर आप थीटा यहां पे देखोगे, यहां पर कॉस रेज पावर 6 थीटा 6 थीटा 4 थीटा थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि हमें ऑप्शन है, चार ऑप्शन से डिफरेंट आंसर आएगा। अगर हम थीटा की वैल्यू यहां पे देखोगे, कोसेक भी है आंसर में, ऑप्शन में सेक भी है, तो 45 पुट कर लीजिए थीटा। अगर आप 45 पुट करते हैं तो आपके पास कितना रिजल्ट मिलता है, तो 1 - 1/2 / 2 + 1 + 1, इट मीन्स ये आपका आ जाएगा 1/2 और यहां पे अगर इंटू 4, इट मीन्स 1/8। जब थीटा आप 45 रखते हो तो आपके पास रिजल्ट आ रहा 1/8, ऑप्शन में पुट कर लीजिए 45, यहां पर पुट करेंगे ये नहीं आएगा, यहां पे पुट करोगे तो ये आपके पास 1/4 आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन सी है यही आएगा, क्योंकि 1/√2 की पावर 6 1/8 देगा रिजल्ट आपको, ऑप्शन सी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बी सी एंड डी इन 2014 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स सी एंड डी इन 6 इयर्स। देखिए टोटल रेवेन्यू पूछा है, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम सेल प्रोडक्ट बी सी एंड डी इन 2014। देखिए बी सी डी के 14 में कितना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 90 काउंट करेंगे तो 370 और आपके पास उसमें 10 और ऐड हो जाएगा 280, ठीक है 280 हो गया। अब किसमें कह रहा है इसने, इज व्हाट परसेंटेज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल प्रोडक्ट सी एंड डी इन 6 ईयर। देखिए सी और डी में टोटल देखिए कितना है, सी और डी, अगर सी और डी में 90 माने हर एक ईयर में तो कितना होगा, 540, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ आठ कम है, 8 ज्यादा है तो कैंसिल आउट हो गया इनका, ये यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे 6 ज्यादा है तो 4 होगा, 4 + 3 = 7, 7 और 13 = 20, 20 और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये 560 आ गया, दो सी का, डी का चेक करेंगे, डी का भी इसी तरह कर लीजिए आप, 90 लेके चलिए, 90 रखते हैं तो आपके पास 540 तो ये हो गया, और यहां से इसने 16 कम किया है, 16 कम हुआ है, -16 है और एक्स्ट्रा कितना है आप देखोगे, 12 और 2 14 और यहां पे देखेंगे ये एक्स्ट्रा हो गया 3 17, तो एक तो ये आ गया, 1 और 8 8 और 2 10, ठीक है 10 और 10 20, मतलब 20 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब ये भी दोनों इक्वल है, सी और डी का जो टोटल सेल है वो इक्वल है, तो ये कितना हो गया, ये है आपके पास 560 और 560, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 0211, ठीक है। तो 1120 है, अब इसने यही पूछा है कि जो 3 280 है वो 1120 का कितना परसेंट है, 280 1120 का डिवाइड बाय 1200 280 है 1120 इंटू 100, तो 0 से 0 28 4 112, 4 से 100 25, तो 25% आपका एग्जैक्ट आंसर है जो ऑप्शन बी है। तो 4 मार्च का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।